देख रहे हैं NIU न्यूज इंडिया अपडेट। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके संग दीप मैठाणी और आप देख रहे हैं NIU न्यूज इंडिया अपडेट। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग इस वक्त धनौल्टी विधानसभा के भ्रमण पर हैं। कई लोगों ने कमेंट भी किए और मुझे व्यक्तिगत मैसेज भी भेजे कि दीप जी, आप सिर्फ धनौल्टी विधानसभा में क्यों घूम रहे हैं। तो आप लोगों को बता दूं कि पूर्व में आचार संहिता लगी हुई थी, जिसके कारण जगह जगह नहीं जाया जा सकता था। और धनौल्टी विधानसभा मेरी अपनी पैतृक विधानसभा है, यानी कि मेरा घर है, मेरी पूरी कुटुंबदारी यहीं से है। तो मेरा फ़र्ज बनता है कि पहले मैं अपने घर की बात करूँ, तभी मैं प्रदेश और देश की बात करने लायक आपके सामने बन सकूँगा और उसका हकदार भी तभी रहूँगा। इसीलिए मैं पहुँचा हुआ हूँ अपनी पैतृक विधानसभा में, जहाँ से मैं आपको दिखा रहा हूँ जमीनी ग्राउंड रिपोर्ट। इस वक्त मैं मौजूद हूँ थतियुड़ बाज़ार में, जहाँ पर प्रदेश का ब्लॉक मुख्यालय है। इसी मुख्यालय से हमारी पूरी धनौल्टी विधानसभा संचालित होती है। जितने भी विकास कार्य हैं, जितने भी ग्राम प्रधान हैं, सभी को यहीं से ही दिशा निर्देश दिए जाते हैं। मगर हमारे इस अपने ब्लॉक के क्या हाल हैं, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। मेरे पीछे ज़रा आप एक सड़क देखिए, ज़रा बारीकी से देखिएगा। वीडियो में जूम करने की कोई व्यवस्था नहीं होती है, वरना अन्यथा हम आपको जूम करके दिखाते। थोड़ा आगे चलेंगे हमारे कैमरामैन। ये सड़क है ब्लॉक मुख्यालय की, जी हाँ, जहाँ पर विधायक से लेकर तहसीलदार, पटवारी और अन्य सभी अधिकारी बैठते हैं। बावजूद इसके, इस सड़क के ये हाल हैं। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि विधानसभा में बाकी जगहों का क्या हाल होगा। दावा किया जा रहा है कि हम धरातल पर उतरे हैं विकास को लेकर, मगर वो विकास है कहाँ? वो आखिर दिखता क्यों नहीं? कैसा विकास है वो जो दिखता ही नहीं है? पूर्व में जो हमारे वर्तमान विधायक जी हैं, वो निर्दलीय प्रत्याशी थे धनौल्टी विधानसभा से। लेकिन बावजूद वो निर्दलीय भले ही थे, लेकिन वो जनप्रतिनिधि थे और नेता थे इस विधानसभा के। आखिर क्या उनकी विधानसभा में विकास होना ठीक नहीं था? ये जरा देखो, पुस्ता देखिए, रोड का ही टूटा हुआ है। ये ब्लॉक मुख्यालय की सड़क है, जिसे बिल्कुल चमचमाती भी होनी चाहिए थी, मगर हालात आपने देखे। ऐसे ही मैं आपको करीब 3 से 4 काम और दिखाऊंगा धनौल्टी विधानसभा के। ये सिर्फ थतियुड़ बाज़ार का एरिया है, अभी पूरी विधानसभा में नहीं। इस खबर में हम आपको दिखाएंगे सिर्फ थतियुड़ मार्केट के आसपास का हाल। तो साथियों, ये था ब्लॉक मुख्यालय की सड़क का हाल। चलते हैं आगे और देखते हैं कुछ और। ब्लॉक मुख्यालय के बाद अब नंबर है सड़कों का। अभी हम पहुँचे हैं थतियुड़ से नैनबाग जाने वाली सड़क। ये सड़क यहाँ से होते हुए टीकरी, ललोटना, क्यारी, ख्यारसी होते हुए सीधा नैनबाग पहुँचती है। मगर जरा इस सड़क की हालत देखिए आप। अपने कैमरामैन से कहूँगा जरा आगे चले और दिखाएं हालात की क्या स्थिति बनी हुई है विधानसभा में। आखिर इस स्थिति का जिम्मेदार कौन है? क्या जनप्रतिनिधि को इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है? जनप्रतिनिधि अभी 3 दिन पहले ही इसी सड़क से यहाँ से आगे पापरा फील्ड ग्राउंड पर अपने चुनाव प्रचार के लिए आए थे। मगर क्या जनप्रतिनिधि को इतना ख्याल भी नहीं आता है कि मेरी जनता इसी सड़क से गुजरती है? देखिए आप हाल, ये मेन सड़क है, मेन रूट, और इस इलाके में जहाँ जाने की हम बात कर रहे हैं, नैनबाग रूट, वहाँ का ये एकमात्र रास्ता है। तो अब आप सोचिए कि क्या हालात है। गाड़ियाँ चलती हैं, गाड़ियों के शॉकर भी होते हैं, गाड़ियाँ पंचर भी होती हैं, मगर स्थिति जस की तस बनी हुई है। तो आप समझ रहे हैं, विकास पुरुष जिन्हें कहा जा रहा है, पूरे सोशल मीडिया पे पोस्टर लगाए जा रहे हैं विकास पुरुष के। तो ये है आपका विकास, ये है आपके सामने हकीकत। हम लोग ब्लॉक मुख्यालय से थतियुड़ रोड पे पहुँचे। अब चलते हैं पहले थतियुड़ बाज़ार में, उसके बाद चलेंगे ढाणा की सड़क पर, आपको दिखाएंगे धनौल्टी विधानसभा की पूरी हकीकत। यहाँ मैं आपको अभी पुनः क्लियर कर दूँ कि अभी तक हम पूरी विधानसभा में नहीं घूम रहे हैं, अभी सिर्फ हम थतियुड़ बाज़ार की कमियाँ बता रहे हैं। पूरी विधानसभा में तो बहुत ही बुरे हाल है, नहीं तो प्राथमिक विद्यालय ऐसी स्थिति में है कि दीवारें टपक टपक कर गिर रही हैं। तो चलो चलते हैं आगे, थतियुड़ बाज़ार का नज़ारा देखते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं थतियुड़ बाज़ार में। थतियुड़ बाज़ार हम जौनपुरियों का सबसे मेन बाज़ार है, और ये बाज़ार ही है जहाँ से कोई भी उत्सव हो, शादी हो, घर में मुंडन हो, जिसकी शॉपिंग, जिसकी ख़रीदारी यहाँ से हम स्थानीय लोग करते हैं। मगर इस बाज़ार की क्या स्थिति है, ये हाल आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। ज़रा देखिए मेरे पीछे ये बाज़ार,
हल्की सी बारिश में ये हाल है। अगर थोड़ी जोर से बारिश हो जाए, जिस तरह आज उत्तराखंड सरकार ने सिर्फ ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, अगर रेड अलर्ट जारी कर दिया जाए और रेड अलर्ट के अनुसार बारिश हो, तो आप समझ सकते हैं इस बाजार का हाल क्या होगा। स्थानीय व्यक्ति यहाँ से गुजर नहीं सकता है, एक गाड़ी आ जाए तो कीचड़ उनके ऊपर जाता है। स्थानीय दुकानदार भी यहाँ पर इस व्यथा से परेशान है, मगर हालात क्या हैं, जस के तस। हमारे जितने जनप्रतिनिधि हैं सारे के सारे यहाँ पे आते हैं, रोज़ाना आते हैं, यही एक मेन रूट है, यहीं से ही ब्लॉक में पहुँचा जाता है, मगर स्थिति को सुधारने का किसी का कोई मन नहीं है। समय चुनावों का है, वोट के लिए सब घर घर पहुँच रहे हैं, विकास के दावे कर रहे हैं, कि हमने विकास की गंगा बहाई है। माफ़ कीजिएगा, मैं इसकी तुलना गंगा जी से तो नहीं करूँगा, मगर आप कहिए, आप ही बताएं कि क्या ये वही विकास की गंगा है जो नेताओं ने बहाई है? क्या ये वाकई में एक विकास है? इस सड़क में डामरीकरण हुआ है। जी हाँ, ये डामरीकरण कृत की गई सड़क है, मगर बावजूद इसके ये सड़क कीचड़ से पटी हुई है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा, ज़रा मेरे पैरों की तरफ आएँ और ये कीचड़ दिखाएँ। आप देख रहे हैं ये कीचड़, ये डामरीकरण की हुई सड़क है, और आप देखिए कीचड़, बताइए, डामरीकरण की हुई सड़क पर भी कीचड़ उपलब्ध है। तो ये है विकास, जिस विकास का दावा किया जाता है, और दावा किया जाता है कि हमने विकास किया है, कहा जाता है कि हम विकास की गंगा बहा रहे हैं। मैं इस कीचड़ की तुलना गंगा माँ से नहीं करूँगा, मगर ये बात ज़रूर कहूँगा कि ये विकास की गंगा कतई नहीं है। पता नहीं कौन सा विकास है जो हमारे जनप्रतिनिधि लोगों को बताते हैं, धरातल पर विकास कहीं नज़र नहीं आता। अभी पूर्व में हमने आपको ब्लॉक की सड़क दिखाई, फिर आपको मुख्य मार्ग दिखाया, अब थतीउड़ बाज़ार दिखा रहे हैं। इसके बाद अभी और आगे भी चलेंगे और स्थानीय लोगों से बातचीत भी करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ कहते हैं वो इसके बारे में। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं थतीउड़ से वरिष्ठ व्यापारी लोग, उनसे जानेंगे कि क्या कुछ है समस्याएं और क्यों इन सड़कों का निदान आज तक नहीं हो पाया। सर प्रणाम आपको पहले तो, और स्वागत है आपका सभी का न्यूज़ इंडिया अपडेट पर। स्वागत आप लोगों का है। ये समस्या हमने देखी है, कीचड़ आपका हकीकत दिखाते हैं, जो आप लोगों का स्वागत है। और हम व्यापारियों की समस्या यही है कि आते दिन यहाँ पर कोई स्कूटी वाला आता है, कोई मोटरसाइकिल वाला आता है, इसके ऊपर रपटता है, तो कई बार उधर घुसता है, कभी इधर घुसता है, टूट फूट हो जाती है। रोज़ विधायक लोग आते हैं, ये PW वाले आते हैं, जो भी आते हैं, कोई ध्यान नहीं देता है, और रोज़ आ रहे हैं। इसकी क्या समस्या एक और है, पीछे से तटबंध लगना था, बहुत से टाइम से प्रस्तावित है और अभी तक वो लगा नहीं। इसकी शिकायत आपने वर्तमान जो विधायक जी रहे हैं हमारे, उनके साथ क्या अपनी शिकायत दर्ज नहीं कराई आपने? आप बताया नहीं कि मार्केट में समस्या है? ये समस्या आज से नहीं है, कई टाइम से समस्या है, सबको ये बताया जा रहा है, विधायक रोज आ रहे हैं, विधायक नहीं देखा जा रहा है कि आप यहाँ पर गड्ढे हैं, आप यहाँ से चले जाइए ढाणा रोड चले जाइए, आप ब्लॉक रोड चले जाइए, देखो जरा कितने गड्ढे हैं। यहाँ से कोई अगर मरीज लेकर कोई हॉस्पिटल जाता है तो मुझे लगता है कि इतने गड्ढे हैं कि वो जाते जाते ही मर जाएगा वहाँ, तो दुखद स्थिति है, मतलब उसकी खोपड़ियाँ लग जाएंगी। पर दावा तो किया जा रहा है विकास पुरुष होने का, अब ये दावा जो लोग कर रहे हैं हमें नहीं पता कैसे कर रहे हैं। अब विकास की गंगा बह रही है, हमें तो लग रहा है पानी बह रहा है, गड्ढे बह रहे हैं, कहीं कुछ दिखाई तो हमें देखता नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे, आप भी स्थानीय दुकानदार हैं? मैं भी अपने असौल जैसे सहमत हूँ जी, सहमत हाँ। और यहाँ पे ऐसा ये जैसे गड्ढे भरने या क्या कारण है इतने सालों में ये बाज़ार सबसे प्रमुख हमारा तो ऐसा विकास तो निरंतर की एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। आज से 6-7 साल पहले यहाँ पेंटिंग हुई थी, फिर दोबारा गड्ढे हो गए, अब इस समय इसका पैसा स्वीकृत है। इन्होंने शायद पेंटिंग ऊपर से, हमने अच्छा से पेंटर से पता किया था, तो उन्होंने बताया था कि ऊपर से पेंटिंग शुरू, ऑलमोस्ट से नीचे के लिए पेंटिंग शुरू हो गई थी, 8-9 किलोमीटर यहाँ से होगा कब ये? लेकिन क्या हुआ कि वो बंद हो गई है, बंद हो गई है, आधे रास्ते तक आपने देखा होगा हो रखी है, पूरा रास्ता टूटा हुआ है, इसलिए बंद हुई थी, इसलिए बंद हुई थी कि तब तक सीजन खत्म हो गया था, तो जो डामर कर रहे थे वो उखड़ रहा था। ये तो एक महीने, देखिए आदरणीय, ये एक महीने पहले ही वो बस्ता बंद हुआ है ना, विधायक जी का भी बस्ता ही होता है एक तरीके से, वो एक महीने पहले हुआ, उससे पहले तो पूरे 4 साल 9 महीने उन्होंने काम करना था। बिल्कुल 4 साल 9 महीने काम हुआ ही नहीं, हमें तो दिखाई नहीं दिया। रोड के मामले में तो मैं जरूर बोलूंगा, कोई भी रोड गांव की देखो, आप किसी भी गांव में चले जाओ, रोड नहीं है। PMGSY की जो रोडें हैं थोड़ा सा ठीक दिखती है, बाकी रोडें जो भी हैं सब बंदरबांट हो रखी है, खा पी के बराबर, कोई पूछता नहीं, कोई सुनता नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं आपको धुनौल्टी विधानसभा में हुई विकास की गाथा।
विकास की इस गाथा को आगे बढ़ाते हुए हम पहुंचे हैं व्यापारियों से मिलने के बाद मात्र 50 मीटर आगे, और देखिए जरा हाल कि मेन बाजार की स्थिति क्या है। आप देख सकते हैं सड़कों पर ये मेन चौराहा है, यही एक मेन टैक्सी स्टैंड भी है जहाँ से लोग सवारियाँ भरते हैं और बाहर जाते हैं। देखिए जरा स्थिति क्या हाल है। बगल में पीने का पानी लगाया गया है, ये नलकूप है। आप अंदाज़ा लगाइए कि जहाँ बगल में इतनी गंदगी हो, ये पानी क्या इस नलकूप में नहीं जाता होगा? जरा नलकूप दिखाओ इनको जरा। मैं अपने कैमरामैन से करूँगा, जरा वापस आएँ और नलकूप के पास जाएँ, क्योंकि ये बड़ी समस्या है। ये पीने का पानी है और वही पानी, जो पानी नीचे ज़मीन में जा रहा है, ये गंदा पानी, वही पानी इस हैंड पंप से वापस आ रहा होगा। ऐसी स्थिति में कैसा पानी स्थानीय लोग पी रहे हैं? और ये कोई दूर की स्थिति नहीं है, आप सामने देखेंगे तो सामने ही वर्तमान विधायक जी का कार्यालय भी है, बिल्कुल सामने, और उनके वहाँ से मात्र 50 मीटर की दूरी पर ये स्थिति बनी हुई है। तो अंदाज़ा लगाइए कि विकास की इस गाथा में प्रदेश का विकास कितना हुआ होगा, इस विधानसभा का विकास कितना हुआ होगा। आखिर विधा जो दूरस्थ पहाड़ी इलाके हैं जहां लोग सड़क नहीं हैं, वहां तक क्या सुविधाएं पहुंची होंगी, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं ढाणा रोड पर। ये वो सड़क है जो सड़क यहां के प्राथमिक समुदाय केंद्र तक जाती है। आप सड़क देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे। जी हाँ, मैं खड़े खड़े भी डर रहा हूँ कि कहीं कीचड़ ना उछल के आ जाए इन गाड़ियों से। सड़क की हालत देखिए आप, ये है विकास की गाथा। ये वो सड़क है जहाँ से प्रसूताएँ और गंभीर बीमारियों के मरीज आधी रात में एमरजेंसी में सामुदायिक अस्पताल तक पहुँचते हैं। आप समझ सकते हैं, ये देखिए खड्डे बड़े बड़े। मरीज अस्पताल पहुँचते पहुँचते ही इन खड्डों से दम तोड़ दे अपना। ऐसे खड्डे इन सड़कों पर है। आप बताएं कि इन खड्डों का जिम्मेदार कौन है? ये देखिए बगल से गाड़ी गुजर रही है, ऐसा लग रहा है कीचड़ हम पे ही उछालेंगे। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि जरा आगे बढ़ें वो थोड़ा सा और दिखाएं ये खड्डे। आखिर क्या कारण है कि इन सड़कों का इलाज नहीं हो पाता है? जनप्रतिनिधि पूरे 5 साल ठाट करते हैं, राज करते हैं, और चुनाव के समय हाथ जोड़कर घर घर तक पहुंचते हैं कि हमें वोट दीजिए, हम विकास करेंगे, हम ही विकास पुरुष हैं। मगर इन 5 सालों में इन विकास पुरुषों ने क्या किया, ये इसका नमूना मात्र है। थोड़ा सा और आगे बढ़े हैं हम, आप देखेंगे कि सड़क का हाल जस का तस है। सड़क पीछे भी टूटी हुई थी, आगे भी टूटी हुई है। देखिए आप खड्डे, देखिए स्विमिंग पूल बना हुआ है। अगर यहाँ पर गाड़ियाँ ना चलें तो आप मछली डालकर मछली पाल सकते हैं, ऐसी स्थिति बनी हुई है। और अभी बरसात सिर्फ ना के बराबर हुई है, ये ऑरेंज अलर्ट की बरसात है, अभी रेड अलर्ट वाली बरसात जाहिर नहीं हुई। एक स्थानीय युवक भी हैं हमारे साथ, भाई अपना नाम बताएं और परिचय दें जरा अपना। सबसे पहले आपको मेरा सादर प्रणाम। मैं टैक्सी यूनियन का उपाध्यक्ष थतियोर से, और जो मैं आपके टैक्सी यूनियन के बाहरी में अभी खड़ा हुआ था वहीं पे हैंडपंप लगा है, वही कीचड़ जमीन में जा रहा है और उसी हैंडपंप से वो कीचड़ ऊपर आ रहा है। क्या करना भाई साहब, जब नेता तो अब दिख रहे, दो महीने के लिए मतलब 4 साल तक वो अंदर ही रहते। ये रोड का हाल देखिए, यहाँ से ढाणा की रोड तक कितने बुरा हाल है। ये देखो यहाँ लोग मकान बनाते, मटेरियल यहीं पड़ा है, कोई इधर नहीं है, कोई काम करने को राजी नहीं है। नेता भी तब आता जब यहाँ कुछ वोट मांगने, इससे पहले कोई नहीं आता, आज तक कोई नहीं आया। हमारे यहाँ सर 70 साल कांग्रेस सरकार रही थी, अभी तक रोड नहीं की। अब इसके बाद 74 साल बाद हमारे यहाँ रोड, बड़ी मुश्किल से गाड़ी अभी तक गांव में नहीं पहुंची। ये हाल है इनकी। ये स्थिति का क्या है, क्या शिकायत नहीं करते आप लोग, या यहाँ के लोग कुछ बोलते नहीं हैं, आवाज़ नहीं उठाते हैं? क्या आज तक विधायक जी को मिलने गए आप लोग एक बार? क्या कहना, विधायक जी तो अब आ रहे जब चुनाव का टाइम है। अच्छा। इससे पहले तो बस वहीं रहते। तो ये बड़ी बात है, प्रदेश के युवा बोल रहे हैं कि नेताजी, काश कि इस देश में ऐसा चलन आए कि नेता चुनावी माहौल से पहले चुनावी क्षेत्र में जनसंपर्क के लिए आए। ऐसा माहौल होने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि नेता क्षेत्र में तभी पहुंचते हैं जब उसको चुनाव के समय पे जनसंपर्क करना होता है। उससे पूर्व ये नेता सबके सब गायब रहते हैं, नज़र नहीं आते हैं, और स्थिति क्या होती है उसका ये परिणाम आपके सामने है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा सा आपको आगे और चलकर दिखाएंगे वो, क्योंकि ये पूरी रोड ही ऐसी है।
दुर्भाग्य ये है, ये जगह, ये जो सड़क है, ये सड़क पहुंचती है सामुदायिक अस्पताल पर। यहाँ से प्रसूता महिलाओं से सहित गंभीर बीमारियों से मरीज बुजुर्ग भी जाते हैं, मगर इस सड़क की स्थिति देख के अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सड़क के कारण ही आधे मरीज तो अस्पताल पहुँचते पहुँचते ही दम तोड़ देते होंगे। ऐसे में ये कैसा विकास और किस तरह का विकास किया गया अपने आप में समझ से परे है। तो ये है धनौल्टी के विकास की गाथा। चलिए और आगे बढ़ते हैं। इस सड़क को आप जहाँ तक भी देखेंगे आपको यही हाल नजर आएंगे पूरे के पूरे। दोस्तों ठंड में कांप रहा हूँ, बहुत ज़्यादा ठंड है, मगर चुनावी सरगर्मी जोरों पर है। इस वक्त मौजूद हूँ धनौल्टी विधानसभा में। जैसा कि आप जानते हैं, इस रिपोर्ट में आपने देखा कि मैंने आपको कुछ विकास की जो गाथा कही जा रही है, विकास की बहार जिसे कहा जा रहा है, उसके कुछ नमूने आज दिखाए। ये मात्र थतीउड़ बाज़ार के दो किलोमीटर भी बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ मैं, कम से कम 500 मीटर के रेडियस के जगह थी जहाँ पर इस तरह की बदहाल स्थिति लगातार बनी हुई है। ये है हमारी धनौल्टी विधानसभा। ज़रा पीछे आप देखिए इसका प्राकृतिक नज़ारा कितना सुंदर व शानदार है। आज बर्फ़ भी पड़ी है, ऊपर चोटियाँ आप देख रहे हैं बर्फ़ से लबालब है, शानदार नज़ारा। इसी को मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर स्वर्ग कहीं है तो सिर्फ उत्तराखंड में है। पता नहीं क्यों कुछ लोग कश्मीर को स्वर्ग कहते हैं, वो कश्मीर जहाँ हमारे इस प्रदेश के, हमारे देश के सैकड़ों लाखों सैनिक अपनी जान गंवा चुके हैं, बलिदान दे चुके हैं हमारे इस देश के लिए, उसको पता नहीं क्यों हम लोग स्वर्ग कहते हैं। अगर स्वर्ग कहीं है दोस्तों तो यही है असली स्वर्ग। तो साथियों आज हमने आपको दिखाई ग्राउंड जीरो रिपोर्ट थतीउड़ बाज़ार से, जहाँ पे हमने आपको कुछ दो चार काम के नमूने दिखाए, जन समस्याएं दिखाई कि लोग परेशान हैं उन जन समस्याओं के समाधान के लिए, क्योंकि समाधान कोई करता ही नहीं है। जगहें ऐसी हैं, ब्लॉक के हमने आपको दिखाया, उस ब्लॉक में विधायक भी रोज आते हैं, तहसीलदार रोज आते हैं, पटवारी रोज आते हैं, और इस विधानसभा क्षेत्र में अगर कोई प्रदेश से कोई बड़ा नेता आता है तो वहीं आता है सबसे पहले। उसके बावजूद स्थिति जस की तस बनी हुई है। आखिर ये सुधार कौन करेगा, किसकी जिम्मेदारी है? क्या ये हमारी जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए कि इस पर सुधार किया जाए? साथियों चुनाव का समय है, मतदान आपने करना है, अपने पसंद के जनप्रतिनिधि को करना है, मगर ख्याल रहे उसको चुने जो काम करे, जो विकास करे क्षेत्र का, जो क्षेत्र पर व्यवस्थाएं पैदा करे, अव्यवस्थाएं नहीं, इसका ख्याल रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। साथियों खबर को शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी अपडेट के लिए बने रहें हमारे संग और देखते रहें आपका अपना न्यूज़ इंडिया अपडेट। न्यूज़ इंडिया अपडेट आपका अपना चैनल है, खबर को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और पेज को जरूर फॉलो करें ताकि आपको मिल सके हमारी खबर सबसे पहले।